ماہرہ خان، عاطف اسلم، حریم فاروق. سکس تھم اوارڈ سیٹرڈے 28 جولائی 2018. ٹکٹس اویلیبل ایٹ ٹکٹ ماسٹر. दानिया बेटा आए बाबा. वाह, फुर्सत मिल गई या फिर अरमान लंदन चला गया? कम ऑन दानिया, इतने सालों बाद तो वापस आया है और तुम खामखा में जलने लगी उसे. मैं क्यों जलूंगी उससे? I know. अच्छा खैर बताओ, सुबह सुबह क्यों कॉल की? एक गुड न्यूज देनी थी. सुनोगी तो खुशी से झूमने लग जाओगी. अच्छा जरा जल्दी जल्दी बताओ, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ. ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे ये बताओ मेरे लिए रात को स्पेशल क्या बना रही हो? स्पेशल? मैं क्यों बनाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल? किस खुशी में? इस खुशी में क्योंकि मेरी अम्मा तुम्हारे घर आ रही हैं तुम्हारे अब्बू से मिलने. अच्छा, कोई खास बात है क्या? अब ये तो रात को ही पता चलेगा, तुम तैयार रहना. और सुनो, कहने की जरूरत तो नहीं है मगर अच्छा सा तैयार होना. इसका मतलब है कि मेरा फेवरेट कलर पहनना. सर आप बताओ ना, क्या हर्ज है? अभी बता दोगे तो क्या होगा? हम कहीं जा रहे हैं क्या? ऐसे नहीं, सबकी मौजूदगी में. अच्छा ठीक है, लेने दो, मुझे भी नहीं जानना. अच्छा मैं फोन रखता हूँ, शाम को मिलते हैं. सर आप मेरी बात. हेलो हेलो हेलो, अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? मुझे तो लगा खुदा ना खासा तुम्हारी तबीयत खराब है. अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ. जब सब ठीक है तो फिर मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तो पता नहीं मैं कितना इंपॉर्टेंट पीरियड छोड़ के आई हूँ. अपनी पड़ी हुई है तुम्हें और मेरी जो छुट्टी हुई है वो तो कब से यही तो पूछ रही हो. जब कुछ नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं आई तुम? बोलना बंद करोगी तो बता दूंगी. नहीं बोलती कुछ, अब बोलो. आज शाम को कुछ खास लोग आ रहे हैं. तो ये भी कौन सी कोई बड़ी बात है, और वैसे भी लोग शाम में आते हैं. एक सेकेंड, कहीं वो कुछ खास लोग आपका रिश्ता लेके तो नहीं आ रहे? स्टूपिड, पहले क्यों नहीं बताया? तो बहुत खुशी की बात है. अगर तुम बोलना बंद करोगी ना तो तुम्हारी ये सोचने वाली मशीन चलने लगेगी. आप ये बात किसी और मौके पे करती ना तो मैं बहुत बुरा मान जाती इस बात का. नहीं खैर, मौका ही ऐसा है अब तो. अच्छा अब कपड़े चूज करते, कौन से वाले पहनो? उधर जो ग्रीन वाले लिए थे वो वाले. मामा काश अरमान हमारे साथ होता, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है उसके बगैर जाते हुए. आपको पता है बाद में कितना बुरा मनाएगा. जानती हूँ मैं कि तुम्हें उसका कितना ख्याल है. मैंने तो कहा था चलो साथ, लेकिन कह रहा था नहीं अभी नहीं. जानता हूँ उसकी आदत, वो जब किसी चीज से मना करते ना तो फिर वही करता जो वो चाहता है. लेकिन पता नहीं आज वो बहुत खुश था, इससे पहले मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा. जानता हूँ उसकी मोहब्बत बेलौस है, खासतौर पर मेरे लिए. और वो इसलिए कि मैंने तुम दोनों में कभी भी फर्क महसूस नहीं किया, तुम्हें भी अपने बेटों जैसा प्यार किया. आपके और बाबा की मोहब्बत का कर्ज कभी नहीं उतार सकता. फखर है मुझे आप दोनों का बेटा होने. अच्छा अच्छा बस अब ये मौका नहीं है ऐसी बातों का, चलो गाड़ी चलाओ. वो तो वो कुछ खास लोग जरियाब और उसकी अम्मी हैं. कब से चल रहा है ये सिलसिला कि मुझे कानो कान खबर तक ना होने दी? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो. तो फिर कैसा है? तुम पता नहीं क्या समझ रही हो. तुम जरियाब से मोहब्बत करती थी और तुम मुझसे छुपाती रही. दिस इज नॉट फेयर. वैसे एक पार्टी में देखा था मैंने उसे, है तो बहुत हैंडसम सा, किसी भी लड़की के ख्वाबों जैसा. आने वाले इस दफा तवज्जो से देख लेना. से एक बात पूछूं?
खुदा के लिए आपकी उल्टी सीधी बात मत पूछना प्लीज। अच्छा चलो नहीं पूछती, छोड़ो। अच्छा पूछो ना, इस तरह बातें धुरी नहीं छोड़ते बीच में। जरिया आप तुमसे वैसे मोहब्बत करता भी है कि नहीं? ये क्यों पूछ रही हो? क्यों, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए जिससे तुम्हारी शादी हो रही हो तुमसे मोहब्बत करता है भी कि नहीं। यकीन नन करता है। खुद कभी बोला है ये? तुम्हें क्या हो गया, क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इंटरोगेशन रूम में बैठी हूँ। अच्छा लास्ट सवाल है, अब नहीं पूछूंगी, बस इसका जवाब दे दो। आखिर तुम ये पूछ क्यों रही हो? कुछ खास नहीं, मैं भी तो देखना चाहती हूँ मेरी सबसे प्यारी सहेली के नसीब में क्या है। और वैसे भी मोहब्बत हमेशा जांचते रहने वाली चीज होती है, जैसे ही कम पड़े फौरन मिला देनी चाहिए। एक बात बताओ, तो मोहब्बत में कहीं पीएचडी करने की तैयारी तो नहीं कर रही? मेरी बात टालो मत, हमें सवाल का जवाब दो। भाई जरिया आपका एक भाई अरमान, और उससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो ये कि अरमान से भी ज्यादा जरिया आप मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसा आपको उसने खुद बोला है या आप अज्यूम कर रही हैं? खुद बोला है। वैसे अरमान बोलोगा? बस इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएगी। दानिया इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो, मेरे पास यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी दिख रही है मेरी बेटी। अजीज भाई आप तो जानते ही हैं कि मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि दानिया मेरे घर की बहू बने, और देखें वो वक्त आ गया। भाभी दानिया बहू बनकर आपके घर चली जाए, इससे ज्यादा इत्मीनान वाली बात मेरे लिए क्या हो सकती है? और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अंगूठी पहनाकर आज ही बात पक्की करना चाहती हूँ। जी जी, जैसे आपकी खुशी। मैं तो कह चुका हूँ कि दानिया अब आपकी बेटी है, भला मैं कैसे एतराज कर सकता हूँ? और अजीज भाई ये मेरा वादा है आपसे कि इंशाल्लाह अरमान दानिया का बहुत ख्याल रखेगा। क्या हुआ बेटा? मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं बेटा बस अंगूठी पहना दूं फिर हम लोग भी चलते हैं, आप आराम कर लेना। अंगूठी पहन लो बेटा, इसमें कौन सी देर लगती है? बिस्मिल्लाह। भाई मुंह तो मीठा करवाए ना, पहले तो मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी। आप भी लीजिए ना। आप भी मुंह मीठा कीजिए। बाबा बच्चियां घबरा जा रही है, लेकिन अजीज भाई आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, अब ये मेरी बेटी है। जी बहुत शुक्रिया। जरियाब तुम कहाँ चले गए थे इतनी खुशी के मौके पे? आओ बैठो, मुंह मीठा करो। अजीज भाई मिठाई खिलाइए भाई। Peace.
जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया, लेकिन शायद तुम भूल रही हो, सफदर साहब के खानदान के हम पर कितने एहसान आते, उनकी अनायत का बदला यूं चुकाओगे? भाभी साहिबा ने कितनी चाहत और मोहब्बत से अंगूठी पहनाई, मैं उसे रोक सकता था? क्या मैं उन्हें मना कर सकता था? बोलो ना बेटा, दानिया बेटा मेरी सेहत अब ठीक नहीं रहती और तुम ये सब कुछ अच्छी तरह जानती हो, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए मैं तुम्हें बहुत अच्छे खानदान का कर देना चाहता हूं, बाबा आपकी जगह कमजोर आदमी की मोहब्बत से बेहतर है किसी बहादुर आदमी की दी हुई इज्जत, उम्मीद करता हूं तू समझ गई होगी। लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, आजकल के जमाने में भी ऐसा होता है। मुझे हमेशा इस बात पे हंसी आती थी, भला एक बार देखने से कोई किसी को सारी जिंदगी के लिए अपने दिल में कैसे जगह दे सकता है। लेकिन तुम्हें देखने के बाद इस बात पे यकीन करने को दिल चाहता है, तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हो, सिर्फ मेरे लिए। होई इतनी खूबसूरत दानिया, मेरा दिल कहता है तुम वही हो जिसे मेरी आंखें कब से तलाश कर रही थी। क्या हुआ मामा, क्या वो मान गई? मेरी क्या बेसब्री है, बताती हूँ भाई। मामा आपको पता है मुझसे सब्र नहीं होता, बताइए ना क्या बोली वो। अच्छा तुम्हें अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? यूके वापस न जाने का। हाँ याद है मुझे, एक दफा दानिया मेरी हो जाए फिर मैं यहीं रहूंगा आपके पास। तो फिर सुनो, तुम्हारी शादी दानिया से ही होगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू मामा। वेलकम। रिश्तों के कैसे उलझे उलझे हुए धागे, बेगानी दुनिया कोई अपना नहीं लागे। खुद को भी आजमाऊं कैसे तुझको भूल जाऊं, बता दे मैं करूं क्या ऐ खुदा।
तुम? कब से तुम्हारा मैं वेट कर रहा हूँ? कोई काम था तुम्हें मुझसे? क्या मतलब कोई काम था? तुम्हें पता है अपनी जिंदगी की इतनी फैंटास्टिक न्यूज तुम्हारे साथ शेयर करनी है? जानता हूँ। जानते हो तो ये भी जानते होगे कि दानिया के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, कल बात करें। मुझसे कल तक वेट नहीं होगा, आओ मेरे साथ बैठो। अब मुझे बताओ दानिया कैसी लग रही थी? खुश थी ना वो? क्या हो गया यार, बता भी दो मुझे। तुम तो ऐसे चुप बैठे हो जैसे मैंने ऐसी कोई बात कर दी जिससे तुम्हें पसंद ना हो। कहा ना यार, थका हूं, कल बात करते हैं। What do you mean? मुझे नहीं पता, जब तक मैं एक एक बात नहीं जान लेता मुझे नींद नहीं आएगी। नींद तो मुझे भी नहीं आएगी आज शायद। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, पहले उसे बात तो कर लेते। In fact, मैं भी यही कह रहा था, लेकिन ये आइडिया मामा को अच्छा नहीं लगा। शायद दानिया के जहन में लाइफ पार्टनर के लिए कोई और। कोई और? कौन? Of course, अगर ऐसा होता तो वो इनकार कर देती। लेकिन अब क्या करोगे तुम? अपने अरमानों का खून करके किसी और की डोली में बैठ के रुखसत हो जाओगी, और वो जरियाब एक ही छत के नीचे तुम्हें देख के आहें भरेगा। बड़ा फिल्मी स्टोरी। तुम्हें मजाक सोच रहे? मेरी पूरी जिंदगी यहाँ मजाक बनने वाली है। किस किस्म के दोस्त हो तुम अनीता? अच्छा ना, माफ कर दो, अब कुछ भी ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा दिल दुखेगा, ठीक है? लेकिन एक बात तो बताओ, अब तुम क्या करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जो अरमान के बाबा के एहसानात के तले दबी हुई, बाबा जिनको बेटी से ज्यादा दोस्ती अजीज है, और बेटी जिसको सबसे ज्यादा बाबा अजीज है। तुम जानती हो नीता, वो हार्ट पेशेंट हैं, एक और हार्ट अटैक, और ऐसे हालात में मैं क्या कर सकती हूँ? जरिया आपसे बात तो कर सकती हो ना? क्यों करूँ मैं उससे बात? मैं क्यों करूँ? वो खुद भी तो कर सकता था। तुम्हें पता है किस तरह बैठा सब देख रहा था, जैसे किसी और की मंगनी में आया हुआ था। ये किस किस्म की मोहब्बत है जो एक ही वार से मुंह के बल गिर गई और उठने के काबिल ही नहीं? इसलिए पूछा था मैंने उस दिन, कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे। लेकिन तुम तो समझ रही थी कि वो तुमसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़कोगी? ये जो मोहब्बत होती है ना, इसका यही मसला होता है, पता ही नहीं चलता कब हाथ से फिसल जाती है। जैसे कि छोड़ दो, पुराने जमाने में औरतों को कूटे की गाय कहा जाता था, मुझे तो अब भी वही जमाना लगता है। और वैसे भी औरतों के लिए जमाना बदलता ही कहाँ, बस धीरे से सरकता है। शादी जरियाब की नहीं, अरमान की हो रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो जरियाब का रिश्ता लेकर गई थी, तो बीच में अरमान की शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सोचा भी यही था, लेकिन अरमान को दानिया पसंद आ गई। हाँ, लेकिन पहले तो ये ख्वाहिश आपकी जरियाब के हवाले से थी। लेकिन जरियाब ने कभी मुंह से कुछ कहा तो नहीं? नहीं, तो आपने उसे बताया नहीं कि जरियाब दानिया से? कहा तो है, अरमान दानिया के अलावा किसी का नाम सुनना ही नहीं चाहता। मुझे बहुत अफसोस है, आप सगे और लह पालक बेटों में बहुत तफरीक कर रही हैं। आप देखिएगा, मैं जरियाब के लिए ऐसी दुल्हन लेके आऊंगी कि किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। जो भी है, आप ज्यादती करने जा रही हैं। आप चुप रहिए, मैं इस शादी को अरमान के पैरों की जंजीर बनाना चाहती हूँ। और पता है, उसने वादा भी किया है, अगर उसकी शादी दानिया से हो गई तो वो वापस यूके नहीं जाएगा, यही रहेगा हमारे पास पाकिस्तान में। देखते हैं। सुनो बेटा। थैंक यू बाबा, कल रात को आपकी तबीयत अच्छी खासी खराब थी, मेरा ख्याल है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, मेडिसिन ले रहा हूं ना, अब तो बस ऐसे ही चलेगा। वैसे भी अब मैं
नौजवानों की तरह मुकम्मल ठीक होने से रहा? अंकल सत्तर भी तो है, वो तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, सारे काम भी खुद करते हैं, इनफैक्ट ऑफिस भी जाते हैं। अरे माशाल्लाह से उन्हें कोई बीमारी भी तो नहीं है ना? और जो दुख और मसाइल मैंने सहे हैं वो उन्होंने नहीं देखे। ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। देखना बेटा जरा। वैसे भी अब हम दोनों की रिश्तेदारी होने जा रही है। अच्छा ये बताओ कि तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत का क्या पूछते हो, जिस दिन बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई समझो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ इसी सिलसिले में बात करने आया था। कहो। आपके हाथ की चाय। थैंक यू बेटा। ये बताओ कि तुमने दानिया से उसकी मर्जी मालूम की है, वो इस रिश्ते के लिए राजी है? मुझसे कहते हो कि गैरों जैसी बात ना करो और खुद गैरों जैसी बात कर रहे हो, भाई उसे क्या एतराज हो सकता है, बेटी है मेरी। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? देखो अजीज, बेटियां बड़ी फरमा बरदार होती हैं और दानिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी साबिर बच्ची है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के तमाम वालदैन को चाहिए कि शादी से पहले अपनी बेटी की मर्जी जरूर मालूम कर लें, ये उनका हक है। तुम भी दानिया से पूछ लो उसकी मर्जी, फिर मुझे बता देना। दानिया का जो भी जवाब होगा मैं उसका एहतराम करूंगा। कहो क्या कहना चाहते हैं? नाराज हो? जो बात करने के लिए बुलाया है वो बात करो। तुम भूल रही हो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं याद आई जब अरमान के नाम की अंगूठी पहनाई जा रही थी मुझे? उस वक्त मैं मजबूर था। एक तुम मजबूर हो और एक मेरे बाबा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं भूल जाऊं? भूल जाऊं कि एक सुतेला होने के बावजूद मामा ने मुझे इतना प्यार दिया, सगों की तरह पाला? हाँ एहसान फरामोश बन जाऊं? बस कर दो जरियाब, थक गई हूँ मैं तुम्हारी मजबूरियां सुन सुनकर। अगर तुमने यही बात करने के लिए मुझे बुलाया तो मेरा नहीं ख्याल मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। तनिया, तनिया मत जा। बाबा सही कहते हैं, एक बुजदल आदमी सब कुछ हो सकता है लेकिन बावफा मर्दों की फहरिस्त में उसका नाम नहीं आ सकता। मेरी मोहब्बत पे अगर जुल्म हुआ ना जरियान तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शुक्रिया बेटा। दानी बेटा यहाँ बैठो। बेटा सफदर साहब को तुम्हारे किस बात से ऐसा लगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार भी कर सकती हो? बाबा आप क्या चाहते हैं? भाई जाहिर है मैं अपने दरीना दोस्त और उसके खानदान वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि दो मर्दों
دو خاندانوں کی عزت کی خاطر عورت کو قربانی دینی پڑتی. بیٹا اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کل نہیں بیٹا آج ہی میں اس رشتے سے انکار کر دیتا ہوں. نہیں بابا میں آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی. ہمایوں سعید، کبرا خان، حمزہ علی عباسی، سکس ہم اوارڈ سیٹرڈے 28 جولائی 2018. Tickets available at Ticketmaster. Zaryab? Zaryab? Oh. Kya yaar? Itni der se tumhein dhoond raha hoon. Itni zabardast news batani hai apni life ke bare mein. Sunao. Kya baat? Baba gaye the Dania ke ghar. To usme zabardast baat kya hai? Are tum bhi na. Wo gaye the meri aur Dania ki shaadi ki baat karne. کیا جواب دیا تانیہ نے؟ تانیہ نے کہا اسے کوئی اعتراض نہیں. وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ مطلب کہ لڑکی ہے وہ انکار بھی کر سکتی ہے. ہاں لیکن اس نے نہیں کیا. تانیہ راضی ہو گئی یار. پھر یہ تو بہت خوشی کی بات ہے یار. تمہیں میری طرف سے مبارک قبول کرو پھر. لیکن ایک شرط پر. شرط کہاں سے آ گئی بیچ میں یار؟ تم مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ گے؟ یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک لڑکی سے بہت محبت کرتے ہو. آج تو بتانا ہوگا تمہیں. مجھے بھی ایک لڑکی اتنی اچھی لگنے لگی کہ میں اپنی ساری گرل فرینڈز کو ایک منٹ میں ہی بھول گیا. سچ؟ تو چپ کیوں کھڑے ہو؟ بتاؤ کون ہے وہ؟ نہیں 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 بات تم سے شروع ہوئی پہلے تم بتاؤ گے. نہیں نہیں ارمان پہلے تم بتاؤ گے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں پلیز یار. چلو ایک کام کرتے ہیں دونوں ایک ساتھ نام لیتے ہیں. ارے بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں بھائیوں میں؟ ماما ارمان کو فائنلی پاکستان میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے. میں تو کہتا ہوں فوراً سے انگیجمنٹ کرا دے سے پہلے اپنا مائنڈ چینج کرے اور ہم اس کو یہیں رکھ سکیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا. پر کیوں؟ کیونکہ اس کی تمہاری کسی اور سے شادی ہو رہی ہے. واٹ؟ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا کوئی بھی لڑکی میرے اتنے ہینڈسم اتنے ڈیشنگ بھائی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے. کبھی نہیں. مجھے ابھی اس کا نمبر بتاؤ. ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. چھوڑو تم کن باتوں میں الجھے ہوئے ہو یار. ٹھیک ہے نہ بتاؤ میں اپنے طریقے سے پتا کر لوں گا. پھر یہ میرا اور دانیہ کا کام ہوگا اسے راضی کرنا. آنٹی کہیں تھی آپ کو مجھ سے کام تھا. ہاں لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. کیسا وعدہ؟ یہی کہ جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں وہ آپ انکار نہیں کر سکتے. کوشش کروں گی. ذریعہ کسی لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ شادی کر رہی ہے. مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ذریعہ کو اتنے عرصے سے جانتی ہیں تو یہ بھی جانتی ہوں گی کہ وہ لڑکی آخر ہے کون. اگر نہیں بھی جانتی تو پتہ کر کے بتائیں تاکہ ہم انہیں ملیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ناراضی ہوئی تو؟ کیسے نہیں راضی ہوگی. ذریعہ میں کسی سی کمی ہے. اتنا ہینڈسم ہے اتنا بریلینٹ ہے اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کرنے کا. آپ کو کس نے کہا بے وفائی لڑکی نے کی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے وفائی ذریعہ کر رہا ہو. وہ ایسا کیوں کرے گا؟ پوری بات جانے بنا آپ کو بھی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بے وفائی لڑکی ہی کر رہی ہے. لگتا ہے آپ کو میری بات بری لگ گئی. I'm so sorry. لیکن ایسا ہے کہ ذریعہ کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور وہ سیم وہ بھی میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے.
काफी देर हो गई है, चलते हैं। मैंने तो सुना था कि आप बहुत बोलती हैं, कब से मुसलसल मैं ही बोले जा रहा हूं। गलत सुना था आपने, वैसे भी मौका देंगे तो मेरी आवाज भी सुन लेंगे। ये बात एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर की तरफ ही जाएं। नहीं, पहले हम एक शानदार सी कॉफी पियेंगे और फिर एक जबरदस्त सी मूवी देखने। आप हर वक्त इसी तरह मजाक करते हैं या कभी संजीदा भी होते हैं? क्यों, आपको मुझ जैसे लोग नहीं पसंद? आप हर चीज मेरी पसंद पर क्यों ले आते हैं? यहाँ पे लड़कियों की पसंद या नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। मेरी नजर में आपकी पसंद की बहुत अहमियत है। आई मीन सब कुछ विलिंगली होना चाहिए। बुजदिल आदमी सब कुछ हो सकता है, लेकिन बावफा मर्दों की फहरिस्त में उसका नाम नहीं आ सकता। मेरी मोहब्बत पे अगर जुल्म हुआ ना जरियान, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। चलिए अब बेटा, मुझे लगता है जैसे कुछ दिनों से तुम परेशान से हो, खाना भी ढंग से नहीं खा रहे और रात को भी लेट आते हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम की ज्यादती की वजह से आपको शायद ऐसा लग रहा हो। सच कह रहे हो? आप क्यों मेरी वजह से टेंशन लेती हैं? कुछ भी हो, मुझे तो ठीक होना पड़ेगा ना, बड़ा बेटा जो। तुम तो मेरा मान हो, तुम्हारे बारे में तुम्हें आंखें बंद करके कोई भी फैसला कर सकती हूँ। अरमान की शादी में चंद दिन रह गए हैं और सारी तैयारी तुमने करनी है। तुम तो जानते हो अरमान कितना लापरवाह है। जी, मैं कोशिश करूंगा सब टाइम पे हो जाए। बस ये बात कह के ना तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। जीते रहो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इनविटेशन हम व्हाट्सएप कर देते। बेटा जी, पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसी बातों से लोग बुरा मान जाते हैं। अच्छा आप लोग बैठो, मैं जरा किचन देख लूँ। जरियाब, मेहमानों की लिस्ट बनानी है तुमने, और अरमान से भी पूछ लो इसे किस किस को बुलाना है। पता है मैं कल दानिया से मिला था, बहुत अच्छी और समझदार लड़की है वो, कुछ इलॉजिकल नहीं बोलती। जब मैंने उसे बताया कि जरिया के साथ किसी लड़की ने धोखा किया है, बेवफाई की है, कहती जरूरी नहीं है लड़की ने बेवफाई की हो, ये भी तो हो सकता है जरिया ने की हो। बस करो यार। हर वक्त मेरी बातें करना, शादी तुम्हारी हो रही है, तुम्हें अपने बारे में बात करनी चाहिए। हर वक्त जरियाब मुझे नहीं पसंद। मुझे पता है तुम परेशान हो, दुख है उसका। तो फिर वही बात, मुझे चलना चाहिए। तुम कार्ड बैठ के सेलेक्ट करो, बाद में बात करते हैं। कैसे लग रहा है? राहत आपा, बहुत अच्छा, बहुत मजा। बस आपकी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह। जब मैंने चाहा था कि मेरी बेटी रामीन का रिश्ता जरियाब से हो जाए, तो तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? कि जरियाब तो दानिया को पसंद करता है और वो उसी से शादी करेगा। उसके बाद तो मेरी मजाल ना हुई बात करने की। राहत आपा, मेरा ख्याल था कि शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो साफ साफ कहो ना कि तुम रामीन को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। राहत आपा, आप भी क्या बातें ले बैठी हैं? आपको खुशी नहीं हुई? कैसी बात करती हो, मैं खुश नहीं होंगी? अरमान मेरे अकलौते भाई का अकलौता बेटा है आखिर। अच्छा यहाँ क्यों बैठी हैं? सारी रस्में आपने करनी है, चलें उठें।
चल।